First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें मुंब्रा में एक गार्डन का कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया गया और उसी दिन जो है यहाँ पर मुंब्रा के घास वाला कंपाउंड के ठीक नाके पर जो है यानी कौसा कब्रस्तान के सामने एक एलईडी का उद्घाटन किया गया था। और आपको बता दें कि ये एलईडी जो है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड और विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान है इन्होंने जो है इस एलईडी का भी उद्घाटन किया था। दरअसल इस एलईडी का इस शहर में लगाने का मकसद ये था कि इस शहर की जो खूबसूरती है और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो लोगों को इस एलईडी के ज़रिए दिखाए जाए और शहर की ऐसी तमाम जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाई जाए। साथ ही ड्रग्स को लेकर और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके लिए लोगों को जागरूक करने का काम इस एलईडी के ज़रिए किया जाए। इस एलईडी के उद्घाटन के हुए तो आज कई दिन बीत गए हैं लेकिन आज विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान यहाँ पर आए थे, उनसे हमने बातचीत की है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि एक अच्छा शहर उस शहर के लोगों की वजह से एक खूबसूरत शहर बनता है और जिस तरह से यह एलईडी लगाई गई है यानी कि इस एलईडी की जो है देखभाल करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं इस शहरवासियों की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि देखा जाता है कि कहीं भी खूबसूरत शहर में कुछ गार्डन या और भी कुछ चीज़ें अगर लगाई जाती हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये एलईडी लगाई गई है इस पे जो स्लोगन है जो सामाजिक जानकारियां इस पर दी जाएगी इससे लोगों को कहीं ना कहीं एक जागरूक होने का संदेश मिलेगा और ऐसे में जिम्मेदारी भी बनती है कि इस ऐसी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान से हमने बातचीत की है, सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। सानू भाई, जिस दिन गार्डन का उद्घाटन हुआ था उसी दिन इसका भी उद्घाटन हुआ था जो ये एलईडी लगाई गई है, और इस एलईडी की खासियत क्या है और क्या इस पे आप जो है दिखाना चाहते हैं शहर के लिए और आगे भी क्या अपडेट इस पर रहेगी? देखिए, इस एलईडी की लगाने की सबसे बड़ी वजह और खासियत ये कि जो हमारे महात्मा है स्वतंत्र सैनिक फ्रीडम फाइटर जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है उनके बारे में वो कैसे दिखते थे, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो जैसे शिवाजी महाराज से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, अशफाक उल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, बैरिस्टर शेफुद्दीन, बेगम महल, ऐसे कई स्वतंत्र सैनिक फ्रीडम फाइटर जिनके नाम हमें मालूम ही नहीं, और ख़ास तौर से हमारे शहर में कई स्वतंत्र सैनिकों फ्रीडम फाइटरों के बारे में हम अनजान हैं, इनको दिखा के कि कैसे दिखते थे, इनकी ज़िंदगी में इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज़ों से कौन सी लड़ाई लड़ी थी, देश की आज़ादी के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी थी, उसका कुछ बताया जाएगा। और साथ ही में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की सोशलिस्ट इंसानियत के की भी बातें, इंसानियत की नहीं हजीज और इंसानियत के तीव कौन, वो सारे इसमें उजागर मतलब बताए जाएंगे। और वक्त वक्त से हर 15 दिन हर हफ्ते ये चेंज करके सामाजिक जैसे ट्रैफिक के लिए से नो टू ड्रग्स, मास्क के लिए जो अपडेट है इन शहरवासियों को दी जाएगी। मुझे खुशी इस बात की है कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी ने शमीम खान जी के साथ, सैदरी भाई साहब के साथ मिलकर आनंद ब्रांच में जी और हमारे सभी कॉरपोरेटर फरदाना शाकिर जी, इब्राहिम राउत, श्रीन राउत, शाकिर भाई, इस सभी साथ के साथ मिलकर जो इसकी इफ्तिता की और इसे जब मैंने यहाँ पे बनाया तो इसका मेरा लाने का मंशा यही था कि आज मुंब्रा कोसा के अंदर जो फ्रीडम फाइटर को हम भूल चुके इस दृश्य के जरिए, इस एलईडी के जरिए कहीं ना कहीं हमारी प्री और जनरेशन को ये मालूम है। और मैं सबसे बड़ी बात ये आपके सामने मेरी विनती है, मैं मुंब्रा के लोगों से अपील भी करूँ कि ऐसी चीज़ों को जैसे ये है गार्डन है, झूले, इन चीज़ों को इत्यादि और संभालना
बनाना जितनी हमारी जिम्मेदारी उतना ही संभालना मुंबरा टीस मुंबरा वासियों की शहरवासियों की भी जिम्मेदारी, क्योंकि वो आपकी चीज़ हमने प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि होने के नाते बना दिया और हम मेंटेनेंस भी करेंगे। हम ये नहीं बोलते कि वो टूटेगा नहीं, वो खराब नहीं होगा, नहीं वो टूटेगा खराब होगा, लेकिन हम उसको मेंटेन करेंगे, लेकिन रोज़मर्रा उसको सही से इस्तेमाल उसे सही से अपने तरीके से यूज़ करना ये शहरवासियों की जिम्मेदारी, वहाँ के वॉचमैनों से सही से व्यवहार करना, वहाँ सिक्योरिटी से सही से व्यवहार करना ये शहरवासियों की जिम्मेदारी। तो मैं आपके ज़रिए से आपके हमारे चैनलों के ज़रिए से मीडिया के ज़रिए से ये अपील करूँगा मुंबरा कौसा के रहवासियों से कि आप अपनी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी समझकर उन सभी चीज़ों का देखरेख करें और सही से इस्तेमाल करें। शानू भाई, ये LED स्क्रीन जो लगाया गया है ये यहाँ पर अभी आपने फिक्स लगा दिया है इसको, और इस पर दीनी तौर पर जो है सामाजिक संदेश जाते हैं वो चीज़ें भी है, स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी भी है, शहर के बारे में भी जानकारी है। इस शहर का काया पालट करने के लिए जो आपके मंत्री जी जितेंद्र आव्हाड मेहनत कर रहे हैं उसकी भी मतलब उसमें एक संदेश परक बातें हैं। ये कंसेप्ट कहाँ से सूझा और कैसे अमल में लाया गया? देखिए, ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट तो मुंबई के अंदर कई जगहों पे है और ये कॉन्सेप्ट ऐसे में ही ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमारे मेयर साहब के वहाँ भी उनके उधर, लेकिन उसमें उनके शिवसेना ने जो किए हुए काम है वो है, लेकिन ये LED लगा के हमारे ठीक है हमारे जो कुछ किए हुए काम होंगे या हमारे फोटो होंगे या हमारे पार्टी के कुछ संदेश होंगे, लेकिन आप इस LED को पूरा देख लेंगे तो मैक्सिमम ज़्यादातर संदेश फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सैनिक, आज़ादी के लिए लिखी हुई लड़ाई और हदीस, जो दुनियावी हदीस है, जो सोशलिस्ट हदीस, इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हम लोग ने बहुत दिन से सोच रहे थे कि हमारे समाज में खासतौर से हमारे मुंबरा के नहीं, हम कई फ्रीडम फाइटर को भूल ही गए, माइनॉरिटीज के, शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये सब चीज़ को बड़े बड़े नाम ला दे, खाली हमको यही याद है मौलाना अब्दुल कलाम, उसके आगे बहुत बहुत उससे ज़्यादा किसी को कुछ मालूम है तो अशफाक उल्ला खान, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं मालूम, मेरी बेटी मर्जिया पठान को अल्हम्दुलिल्लाह अटेम्प्ट किए UPSC, उसके भी कई दिमाग में मामला था कि क्यों ना अबू जी हम शहरवासियों को ऐसे स्वतंत्र सैनिक के बारे में दिखाए जाए माइनॉरिटीज के जिनकी जानकारी यहाँ पे है ही नहीं। तो बहुत सारे उन्होंने 8 दिन से उसने मेहनत करके ये चीज़ को बनाई और वो हर हफ्ते, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हजरत मोहानी साहब की तस्वीर आई है, काफ़ी कम लोग जानते हैं जी, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन उनको हर 15 दिन में चेंज करा जाएगा, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, जो भी समाज के हो, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे हिस्ट्री ने उनको हटा दिया है या है, और जब कहीं ना कहीं किसी कोने में इंशाल्लाह ताला हम इस LED के जरिए उसको मुंबरा के सामने, थाना के सामने और महाराष्ट्र के सामने लाएंगे। आने वाले वक्त में ये LED के जरिए इंशाल्लाह ताला पूरे महाराष्ट्र में संदेश जाएगा, और आपसे भी मेरी विनती है कि आप भी इसको अपनी सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया ऐप आप जो करेंगे, आपके व्यूवर ज़्यादा है तो ये पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में कहीं ना कहीं लोग देखें, ताकि मालूम पड़े कि ऐसे स्वतंत्र सैनिक, ऐसे फ्रीडम फाइटर आज भी हमारे यहाँ की कुर्बानी दिए हुए लोग हैं। शानू भाई, काफ़ी अच्छा काम किया है आपने मुंबरा को याद दिलाने के लिए, जो इतिहास है वो कोई याद नहीं रखता, उसके लिए आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। सर, मेरा एक सवाल था कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक स्लोगन ये भी आ रहा है, से नो टू ड्रग्स, कि ड्रग्स को याद दिलाने के लिए कि ड्रग्स को कैसे मना किया जाए वो भी याद दिलाया जा रहा है मुंबरा को, लेकिन ड्रग्स मुंबरा के अंदर रुक रहा नहीं है, काफ़ी कदम उठाए गए हैं इसके ऊपर, और फिर भी जो नशा है वो मुंबरा से ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी इस पर सहमति नहीं, ये जो नशा है ये सब जगह है, खाली मुंबरा में नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुंबरा में शायद इसकी ड्रग्स ज़्यादा हो, लेकिन नशा हर जगह है, थाना में, मुंबई में, हर अन्य जगहों पे, ये अवेयरनेस लोक प्रतिनिधि के साथ शहर के जिम्मेदारियों की, जिम्मेदारों की भी है। मैं आपको बहुत इससे कम करने का एक छोटा सा तरीका है, मैं मेरे शहर के हर रहवासियों से गुजारिश करूँगा कि जो लोग नशा करते, जो नशा बेच रहे, जो नशा कर रहे, उनका तुरंत, आप बहुत आसान है आज की डेट में सोशल मीडिया हमारे हाथ में, उनका फ़ोटो डालिए, उनका एरिया डालिए और डालिए ना ग्रुप में, ट्वीट करिए ना,
हम भी साथ है, हम पुलिस स्टेशन आपके साथ आएंगे, लेकिन शहर का एक जागरूक नागरिक होने के नाते आज की डेट में बहुत आसान है कंप्लेंट करना। क्या जरूरी है, मैं तो उन आरटीआई एक्टिवेट वाले को बोलता हूँ, क्या जरूरी है बानकाम के खिलाफ ही इलीगल डालना है? नहीं, वो गलत है, मैं मानता हूँ उसके खिलाफ भी डालना चाहिए। क्या जरूरी है लोक प्रतिनिधि के खिलाफ ही माहिती डालना? मैं मानता हूँ उनके खिलाफ भी करना चाहिए, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि क्यों नहीं आप सब मिलकर ट्रस्ट के पीछे लग जाते। अगर वो सारे लोग, सामाजिक लोग, आरटीआई एक्टिविस्ट लोग और जो सोशल मीडिया को कुछ लोग है जो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग और हम भी साथ में, हम भी सब लोग अगर इसके पीछे लगेंगे तो ये काफ़ी हद तक कम होगा। क्योंकि मैं ख़त्म होने की बात तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये और वेश्या का जो धंधा है जो लोग करते हैं, जिसे महिलाओं के लिए उनका प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस है, ये जड़ इसका मामला ऐसा है कि बहुत तरीके से कहीं ना कहीं सेक्शन माना जाता है। और मेरे को बोलने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं कि हम बोलने से बाद उन तक पहले ही खबर पहुंच जाती है कि आपके वहाँ पुलिस की रिट आने वाली। सर, इसके लिए तो लोग डरते भी हैं कि कहीं ना कहीं। क्यों डर रहे? आप अपनी खिड़की से व्हाट्सएप फोटो निकालिए, क्यों डर रहे? वैसे लोगों के लिए लोग, मेरा बोलने का सवाल एक ही बात है, क्यों लोग डर रहे, क्यों है? लोग बोलते हैं कि ये, कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां छेड़ दी जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि ड्रग्स चला जाता है, तो चप्पल से मारो ना रास्ते पर, चप्पल से मारो, हम आपके साथ आएंगे। आप ये कहोगे कि इनकलाब आना चाहिए और आज़ादी मिलना चाहिए लेकिन घर से बैठ के, तो ये पॉसिबल नहीं।